या पूरे टूरिस्ट बन रखे हैं। हाँ भाई, कहाँ? एक बंदे ने अभी वीडियो डाली। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका एक और न्यू और फ्रेश ब्लॉग में। मेरा नाम है रॉबिन चौहान, आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल रॉबिन चौहान 44। तो मौसम देख सकते हो आप, चेकआउट कर सकते हो कैसा हो रहा है। और ये बैठे हमारे यश भाई और ये बैठे हमारे अंकुश भाई हैं, और हमें शिलाई में मिले हैं हमारे को यश ब्रो। भाई जी घर जा रहे हैं यार, अब थोड़ा लेट हो ये है, यहीं के रहने वाले हैं। गाँव का नाम क्या आपके? सरोज जा रहे हैं अभी, ये पैदल जाएंगे यहाँ से। अब वो जरा हम थोड़े लेट हो चुके हैं, वरना हम छोड़ देते हैं नीचे। तो फिर मिलते हैं आपसे नीचे आते समय, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कॉल करना। बढ़िया सामान सामान निकालते हैं, इसमें पत्थर वगैरह लगाते हैं टायर में, जो कोई दिक्कत ना आए ज्यादा। सो अभी फटाफट करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। पैकिंग कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं आपसे। ऐसे कुछ अपनी गाड़ी की हालत हो रखी है अभी, देख सकते हो आप लोग। तो अभी चलते हैं फटाफट। ये मेरा बैग वाटरप्रूफ नहीं है, तो ये वाला तो वाटरप्रूफ है जो अंकुश के पास है, देख सकते हैं आप। ये वाला बैग वाटरप्रूफ है, और ये यश के बैग में सिर्फ टेंट है, ये भीगेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हाथ में ले जाएंगे और एक एक्स रखेंगे हाथ में, और ऐसे कुछ मैं भी पैक हो रखा हूँ, और चलते हैं फिर। मैंने शूज़ भी ले रखे हैं वाटरप्रूफ, अंकुश को पूरा स्नो सूट पहना दिया है। ये मैंने मनाली से खरीदा था सेकंड हैंड, आपको पता होगा अगर कोई मनाली का होगा। और यश के पास पैंट है यार, ये नहीं, हमारा लोअर जो है ये नीचे छूट गया जल्दबाजी में, यश का जो वाटरप्रूफ लोअर था। सो चाबी हमको रख लीजिए मैं गाड़ी की। अच्छा, यहाँ चाबी, और डिग्गी बंद कर दे, गाड़ी अपनी लॉक हो चुकी है। तो फिर लेट्स गो, चलते हैं। अब देखते हैं फिर क्या रहता है। चलो यश भाई फटाफट, अंकुश ब्रो जल्दी जल्दी फटाफट। अभी लाइक हमने आधा किलोमीटर भी नहीं किया है, और जो है ओले नहीं होते छोटे छोटे, ओले पड़ने लगे हैं। बाकी देखते हैं अभी आगे, स्नो देखने को कहाँ मिलेगी। स्नोफॉल तो आज पक्का होगी, अगर अभी नहीं होगा थोड़ा बहुत होगा स्नो, रात को पक्का गिरेगी। अभी दो बार स्नो गिरी है, दो बार अभी ओले गिरे हैं हमारे ऊपर, वो भी बहुत नीचे गाँव में जहाँ पर बहुत कम बर्फ पड़ती है ऊपर। बाकी देखते हैं फिर, ऊपर गिरना तो चाहिए, तो फिर ऊपर ही जाके पता लगेगा। बाकी चेक करके आए हैं मौसम, वेदर रिपोर्ट दो दिन की ख़राब है, होप कि वापस आ जाए, देखते हैं। बाकी क्या हो रहा, 5:53 हो गए हैं, और यश भाई हमारे यहाँ पर पानी भर रहे हैं, और ये कुछ हमने घर से खाना लाया था, पहाड़ी मीठी रोटी। आ जा भाई हल्की सी, ठीक है अभी मैं ठंडी ना हो जाए, और थोड़ा सा खा लेते हैं यार थोड़ा सा, क्योंकि सर में भी पेन हो रहा है हल्का हल्का खाने की वजह से। हमने प्रॉपर खाना नहीं खाया एक्साइटमेंट के चक्कर में, फटाफट खाते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं। बहुत यार टाइम ज़्यादा लग गया, रात होने लग रही है। तो इसके बाद यार स्नोफॉल होने लगी थी, ओले गिरने लगे थे, सो हमने फटाफट जो है वीडियो नहीं बना पाया, टेंट लगाया। और उसके बाद ये कुछ ऐसा व्यू है, दिखाता हूँ मैं आपको, देखो जरा। पूरा वाइट हो गया, पूरा वाइट हो गया। अभी हम थोड़ी सी सब्जी बना रहे हैं मिक्स करके, मिक्स वेज बना रहे हैं, हम सूप बना रहे हैं बढ़िया। अभी हमने पानी पीना है, हमारा पानी ख़त्म हो गया है, ये देख सकते हो आप, पानी इसमें बिल्कुल ख़त्म है। तो हम अभी पानी बस बस यश धीरे धीरे करके डालेंगे ताकि पिघले, और इसमें पानी ख़त्म हो गया। और ये देखो स्नोफॉल अभी भी, मतलब ओले गिर रहे हैं, स्नोफॉल हो रही है, देख लो, सुनो ज़रा। और ये देखो ये कितना भर गया, अब देखना आवाज़ सुनना बर्फ़ की नीचे गिरेगी जब, बहुत सारी बर्फ़ भर रही है इसके ऊपर, फिर आपको आवाज़ आई होगी। तो अभी देखना यहाँ भी आएगी। तो भाई हमारे ऊपर जो है स्नो इसके ऊपर जम रही है, और ये भी बहुत मतलब अच्छी बात नहीं है, इसकी वजह से हमारा टेंट दबेगा पूरा। और हम अभी सो रहे हैं फिलहाल के लिए, सो जाते हैं गाइस, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह, गुड नाइट। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? मिल जाएगी लकड़ी भाई? हाँ, तो गाइस हम जा रहे हैं लकड़ी ढूंढने, देखते हैं अभी, एक तो मिल गई और दूसरा भी था एक हथियार वहीं पर, वो भी चाहिए। और क्या बात है, देखो जरा कितनी स्नो पड़ी है भाई ऊपर तक,
मजा आ गया भाई साहब। यहाँ से हवा आ रही थी थोड़ी थोड़ी इस गड्ढे से, बाकी तो भाई साहब स्नो ही बहुत ज्यादा है। हम इस टाइम बिल्कुल पीक पे है और यहाँ पर डेली मेरे को लग रहा है धूप लगती है, तभी यहाँ पर स्नो का थोड़ा सा कम है, नहीं तो फुट के हिसाब से पड़ते। तभी मैंने यहाँ पर टेंट लगाया। जंगल में तो बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रखी है, बहुत ज़्यादा। नीचे आप देख सकते हो ये छोटी सी लेक है यहाँ पर एक, वो भी जाम हो रखी है बिल्कुल। और ये हमारा चांदपुर धार का मंदिर, क्या बात है। तो यार अभी हमें थोड़ी सी लकड़ियाँ मिली है, हमने आग जलाने के लिए इकट्ठी कर रहे हैं। ये हमारी लकड़ी का स्ट्रॉक अभी इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर। हाँ ये बढ़िया दिल्ली का इकट्ठी करिए। और ये यश भाई हमारे लगे हुए हैं लकड़ी का स्टॉक, फिर हम यहाँ एक गड्ढा बनाएंगे और यहीं जलाएंगे। और ये पीछे से ब्यूटीफुल सनराइज हो गया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देख सकते हो आप लोग। और साथ में यहाँ आग जला सके हम इसमें ताकि टेंट ना जले। देखो जरा, और ये नीचे ले भाप उड़ रही है, अभी देखते हैं यहाँ पर। तो ऐसे कुछ जगह में कैंपिंग हो रही है और पीछे दिखाता हूँ आपको मैं क्या सही हो रहा है सनराइज। और ये अपना कुछ टेंट है, यहाँ पर आग जला रखी है हमने बहुत मुश्किल से। और ये अपने यश ब्रो और अंकुश भाई अपने, अभी हमारे बंद कर दिया, पैक कर दिया, अभी हम थोड़ा घूमने जा रहे हैं यश मैं और अंकुश। थोड़ा देखते हैं एक्टिविटीज करते हैं स्नो में, थोड़ा देखते हैं परे को बहुत ज्यादा स्नो है वहाँ चलते हैं। और फटाफट चलो फिर लेट्स गो। फिसल के जाएगा अंकुश यहाँ से, यहाँ से अंकुश तू जा पर बेटे दांत टूट जाएंगे दांत। अंकुश भैया कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की, और रुक भी जाइए कहीं पर, फिसल नहीं रहा इतना, फिसल नहीं रहा है ज्यादा, अब फिसलेगा फिसलेगा ये। और बस बस रहने दे, और शुक्र है फिसला नहीं, वरना इसके दांत आज जरूर टूटते। और गाइस मंदिर में पहुंच गए हम, ऐसा कुछ है यहाँ पर मंदिर, बहुत ही ब्यूटीफुल। और नीचे स्नो है यहाँ भी, छत पे स्नो है। और ये वाला पीक पे हमने, ये हमारा टेंट है, अगर आपको जस्टिस हो रहा होगा थोड़ा सा ये वाला, ये नीचे फॉरेस्ट है। और अभी ऐसे कुछ लोकेशन है यहाँ पर, मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया है यहाँ पर, शिव जी का मंदिर है एकदम गजब, क्या बात है। चलो चलो घंटे बजाओ और चलते हैं बैठा ना। और अंकुश आ रहा है ऊपर से, देखते हैं, पकड़ के रख उसको, पकड़ के रख हाथ से, उसको पकड़ ले, आगे से उठा दे, आगे से उठा दे। और इसको भैया फिसलना भी नहीं आता है, बहुत बढ़िया। तू तो गड्ढे बना रहा है यार अंकुश यार, ले ले वो तो पीछे रह गया, क्या गुंडा बनेगा तू, रहने दे।
कुछ दिखा देंगे तो खुद कैसे पहुंच पाएंगे, बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा है। मतलब निचली साइड एरिया में जंगल में बहुत है, यहाँ तो ओले गिरे हैं बस रात रात में। मोटे मोटे थोड़ी सी स्नो थी, ज़्यादा नहीं थी, सूख गई, बहुत अच्छी बात है, सूख गई, खुशी हो रही है, जूते भी गिल्ले हो गए सारे। तो बाकी अब नीचे जाके बात करते हैं आपसे अगर बनाया, अदरवाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू।